हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब क्लासेस. स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ फिजिक्स क्लास 12 स्टैंडर्ड, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस. एंड दिस इज द सेवेंथ वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट. इस यूनिट का ये सातवां यूनिट है. देन प्लीज आप सारे वीडियोज को देखिए, किसी वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि एवरी वीडियो कैरीज सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट तो हम हर एक वीडियो से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, कैरी करते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. अब आज की वीडियो में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था. और उसके बाद हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट आज पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो मैं न्यूमेरिकल आपका टाइम बचाने के लिए मैं फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि एसएल अरोड़ा से मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, एससी वर्मा के भी न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो, आपको बातें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आए. क्योंकि फिजिक्स तब जाकर क्लियर होता है जब हमें न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो. चलिए, तो मैं आपको टाइम बचाने के लिए मैं बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूँ. लेकिन आप चाहें तो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं. आपके बोर्ड पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि द सम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकुलम. तो दो चार्जेस का सम दिया गया है यहाँ पे, 2 पॉइंट चार्जेस का 7 माइक्रोकुलम. ओके, और फिर क्या कह रहा है कि दे रिपेल ईच अदर. वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो व्हाट डज इट मीन कि दोनों सिमिलर नेचर के होंगे, या तो वो पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो नेगेटिव होंगे. ओके, विद फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. उनके बीच में जो रिपल्सन का फोर्स है वो 1 न्यूटन का है. अच्छा, फिर कितने दूरी पर, इस कंडीशन पे कितने दूरी पर रखे हैं, 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस में रखे गए हैं. तो हमें ये क्या बताना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में. मैं 2 सेकंड 3 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा हूं. चलिए, तो अब हमें दिया क्या है, पहले दिया है दो चार्जेस का सम क्या है, 7 माइक्रोकुलम. तो लेट करते हैं कि दो चार्जेस Q1 Q2 है. सोल्यूशन, चार्जेस क्या है, Q1 Q2. तो Q1 plus Q2 हमें कितना दिया है, 7 माइक्रोकुलम दिया है. अच्छा, आर कितना दिया है बेटे, 30 सेंटीमीटर, है ना, 30 सेंटीमीटर दिया है, जिसे आप 30 × 10⁻²⁪ मीटर में कन्वर्ट कर लिए. फोर्स आपको कितना दिया है, 1 न्यूटन दिया है. चलिए, तो अब आप देखिए कि आपके पास दो चार्जेस इस तरीके से इतनी दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में ये Q1 है, ये Q2 है. इनके बीच में फोर्स क्या होगा बेटे, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q1Q2r2. ये वो हम लोग पढ़ चुके हैं. अब वैल्यू आपकी एफ की कितनी है, 1. इसकी 1/4πε0 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, एकदम हमारे जवान पे होना चाहिए, 9 × 10⁹, है ना. अच्छा, Q1 Q2 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, हमें Q1 plus Q2 की वैल्यू पता है, लेकिन Q1 × Q2 की नई वैल्यू नहीं पता है. अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, 30 × 10⁻². चलिए, अब आ गया, इसको सॉल्व किया जाए. तो देखिए, ये 1 तो वैल्यू है, ये 9 × 10⁹, जरा इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो 30 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे बेटे, क्योंकि स्क्वायर ये इस पर भी है उसके भी, तो ये 900 हो जाएगा. अच्छा, 10⁻², पे जब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 10⁻²² देगा, देना चाहिए. अच्छा, अब क्या होगा, ये आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो 2 जीरो है उसे 10 का स्क्वायर बना के इससे क्या कर लीजिए, इक्वेट कर देंगे, कम हो जाएगा, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 10⁹, और यहां से आपका 10⁻², है ना. तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 10⁻⁷, या Q1 × Q2, ये जो 10⁻⁷ फैक्टर है वो 1 के नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, तो Q1 × Q2 आ जाएगा 10⁻⁷, है ना. तो ये हमारे पास Q1 × Q2 की वैल्यू आई, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2. Q1 और Q2 की वैल्यू पूछ रहा है. चलिए, तो उसके लिए हमें और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, और एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी बेटे. क्या आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, कि Q1 माइनस Q2 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू का होल स्क्वायर माइनस फोर क्यू वन क्यू टू। ये एलजेब्रा का आपका फॉर्मूला होगा, आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अब देखिए क्यू वन प्लस क्यू टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 माइक्रो कूलम है कि नहीं। तो उसे आप कूलम में प्लेस करेंगे तो 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, क्योंकि क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे। अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं। ओ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये ऊपर गया था तो प्लस था ना। हाँ आप ध्यान दिए, बहुत अच्छा लगा। ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो ये 11 यहाँ पे आपके माइनस 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 11। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 49 ये आपका हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 6, ये आपका माइनस 12 हो जाएगा, ये 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। अब बेटे प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस 12 में है, ये माइनस 11 में है, तो हमें प्रॉब्लम ये है कि हम इसको कैसे हैंडल करें। हमने क्या करना है कि किसी भी तरीके से या तो हम इसे माइनस 12 से माइनस 11 कर दें या इसे माइनस 11 से माइनस 12 कर दें। किसी भी तरीके से अगर ये हम काम कर पाए तो हमारा काम हो सकता है, तो हम क्यों ना इसे को ही कर लें। तो अगर हम इसमें क्या करें, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करें, देखिए कैसे। तो आप इस तरह इधर देखिए 49 अपॉन 10 इंटू 10 है ना, तो ये तो क्या कर देगा, ये इसको 4.9 कर देगा और ये 10 जो इसके बगल में 10 टू दी पावर माइनस 12 है उसके साथ पावर एक ऐड करके 10 टू दी पावर माइनस 11 कर देगा। तो ये 4.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 माइनस 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 क्या देगा आपको, यहाँ से ये आपको देगा 0.9, क्योंकि 4.9 में से 4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा है ना कूलम से। ठीक है, तो ये आपका Q1 माइनस क्यू टू इंटू 10 टू दी सॉरी स्क्वायर की वैल्यू है। लेकिन अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी हमारा कैलकुलेशन बाकी है और इसको कैलकुलेट करके हमें लाना है क्या Q1 और Q2 की वैल्यू। तो इसको हटाते हैं, क्या करें, हम ये कर सकते हैं कि इसे 9 बना लें और इस पे 10 टू दी पावर माइनस 12 कर दें। कैसे, फिर से वही ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.9 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या कर देगा, 9 कर देगा और ये 10 आप ऊपर ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 लिख सकते हैं। और ये क्यू वन माइनस क्यू टू का क्या हो जाएगा बेटे, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहाँ तो स्क्वायर हट जाएगा क्यू वन और यहाँ पे आ जाएगा 9 का रूट होगा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 12 का अगर रूट लेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, 3 माइक्रो कूलम आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक आपके पास क्यू वन माइनस क्यू टू है जिससे आपको पता है कि इसकी वैल्यू 3 माइक्रो कूलम है, और एक आपके पास है क्यू वन प्लस क्यू टू, ये इक्वेशन दिया है 7 माइक्रो कूलम। दोनों को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इस इक्वेशन को भाई ऐड कर दें तो क्या मिलेगा आपको, क्यू टू कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यू वन आ जाएगा, 7 3 10 क्यू वन आ जाएगा आपके पास भाई माइक्रो कूलम, और क्यू वन आ जाएगा आपका 5 माइक्रो कूलम। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और आप किसी एक में रखेंगे, जैसे आपने क्या किया यहाँ पे रख देंगे तो आपको Q2 की वैल्यू पता लग जाएगी और Q2 आपका आ जाएगा 2 माइक्रो कूलम। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रिलेटेड, इसलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 2 सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 न्यूटन। यानी दो सिमिलर हमारे पास बॉल हैं, आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिनपे क्या है
कुछ चार्जेस हैं, सिमिलरली चार्ज होने की वजह से जो चार्ज की वैल्यू होगी दोनों पर सेम होगी, और उसकी वजह से जो रिपल्सन का फोर्स है बेटे वो 2×10⁻¹⁵ न्यूटन का है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि एक आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वर्ड का मतलब सिमिलर, एकदम वैसा ही, एक बॉल लिया जाता है आइडेंटिकल अनचार्ज स्पीयर सी इज टच टू ए, तो ए से टच कराया जाता है, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, और टच कराने के बाद ए और बी के बीच में ले आके क्या किया जा रहा है, पुट कर दिया जा रहा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कैलकुलेट करिए कि सी पर कितना फोर्स लगेगा, सी पर कितना फोर्स लगेगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं, तो अब जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि हमारे पास Q1 Q2 चार्ज है। हाँ, यहां ध्यान देने वाली बात है कि दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, एक और क्वेश्चन जैसा हमें दिया है, ये ए बॉल हो गई, ये बी बॉल हो गई, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। तो अच्छा, तो फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होगा भाई, 1/4πε0Q²r² होगा कि नहीं। अब हम तीसरा बॉल ले रहे हैं और तीसरा बॉल सी क्या कर रहे हैं, ए से टच करा देंगे। अब आपने ये पढ़ा कि जब दो मेटेलिक स्फीयर, आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर को कांटेक्ट कराया जाता है तो चार्जेस क्या होते हैं, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब ए पर चार्ज क्यों था, सी पर कोई चार्ज नहीं, तो जब ये टच करा के अलग अलग किए जाएंगे तो हाफ हाफ चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो अब बेटे जो सी चार्ज यहाँ पे रखा जा रहा है, इस पर आपके Q/2 चार्ज हो गया, इस पे Q/2 चार्ज हो गया, इस पे क्यू चार्ज आपका है, क्योंकि B के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। तो अब A की वजह से C पे चार्ज कितना है और B की वजह से C पर चार्ज कितना है, अगर हमें पता लग जाए तो उसका हम सम करके निकाल सकते हैं कि C पर कितना चार्ज होगा। तो फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू A, तो अब बताइए डिस्टेंस कितना है, R/2 है कि नहीं बेटे, R/2 डिस्टेंस, क्योंकि मिड पॉइंट में क्वेश्चन कह रहा है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे F=1/4πε0Q1Q²r², तो मैं डायरेक्ट F' लिख रहा हूँ या F1 लिख लीजिए, 1/4πε0, पहले चार्ज की वैल्यू Q/2 और दूसरे चार्ज की वैल्यू भी क्या है Q/2, क्योंकि इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं, और R/2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, 1/4πε0, ये Q और Q का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 और 2 का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ R²/4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q²/r² आ जाएगा। इसे इक्वेशन 2 दे दिया जाए, चलिए अब बात करते हैं किधर, ये चार्ज सी और बी के बीच में। तो देखिए चार्ज से, अब यहां पे मैं फिगर मिटाने वाला हूं, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा बेटे, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट चार्जेस, सिमिलर चार्जेस हैं, और ये भी सिमिलर चार्जेस हैं, तो सिमिलर चार्जेस होने की वजह से ये चार्ज इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, ये इधर ले जाने की कोशिश करेगा, तो दोनों के फोर्सेस अपोजिट होंगे, इस बात का याद रखेंगे। तो एक तो हम निकाल चुके, अब दूसरा निकालने की कोशिश करते हैं। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ ड्यू टू बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, F2 ले लीजिए, 1/4πε0 बेटे, पहला चार्ज आपका Q/2 है और दूसरा चार्ज आपका Q है, नीचे आपका डिस्टेंस R/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस तो R/2 ही है ना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो करते हैं, यहाँ ये देखिए Q²/2 और नीचे R²/4, तो ये 2 से कैंसिल कर देगा यहाँ पे, और ये 2 सीधा यहाँ जाएगा, तो F2 कितना आ जाएगा, 2×1/4πε0Q²r², इक्वेशन 3। तो नेट चार्ज, नेट फोर्स ऑन सी, सी पर नेट फोर्स कितना काम करेगा बेटे, वो काम करेगा आपका F2 माइनस F1,
हालांकि प्लस होगा लेकिन अपोजिट साइन है, एक को आप प्लस मानेंगे दूसरे को आप माइनस मानेंगे, इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक को प्लस एक को माइनस सपोज करना पड़ेगा, या आप ऐसे रख के वैल्यू में माइनस प्लस कर दीजिएगा। चलिए तो आपकी एक वैल्यू कितनी है, ये है 2 इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक को आपको अपोजिट डायरेक्शन में मानना पड़ेगा, तो ये आपका एफ वन की वैल्यू थी, ये मैंने इक्वेशन 2 डलवाया था, एफ वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप इसको क्या कर लीजिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए दोनों क्वांटिटीज सिमिलर है, एक 2 टाइम्स है एक 1 टाइम है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बेटे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टू सिमिलर बॉल्स ईच हैविंग मास m, सब दोनों के मासेस क्या है m है एंड चार्ज q, आर हंग फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l। हमारे पास एक सिल्क थ्रेड है जिससे जिसकी लंबाई l है, उससे दोनों चार्जेस को क्या किया है, बांध के लटकाया गया है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन इन इक्विलिब्रियम, हमें प्रूफ करना है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट तब आएगी जब x इज इक्वल टू, मतलब हमें ये प्रूफ करना है, क्यू स्क्वायर एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी पावर 1/3 हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, व्हेन ईच थ्रेड मेक अ स्मॉल एंगल थीटा विद वर्टिकल्स। तो वर्टिकल मतलब एक आप क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में एक वाई एक्सिस जैसा लाइन खींचेंगे और उसके साथ देखेंगे कि एंगल क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका क्या, पहले फिगर बनाते हैं फिर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सरफेस है जहां से दो, हाँ, बॉल्स जिनके मासेस एम है और ये जिस रस्सी से जिस थ्रेड से लटकाए गए हैं उसकी लेंथ एल है, ओके ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी मान लीजिए इस समय एक्स है, ओके, और दोनों वर्टिकल के साथ स्मॉल एंगल थीटा, वर्टिकल मतलब ये जो लाइन बना रहे हैं यही वर्टिकल यहां बोला जाएगा, तो दोनों थीटा बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस है, यहां इस मीन पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, यहां से हमें ये इन्फॉर्म पता लग रहा है। तो ये आपकी दूरी x बाई टू हो जाएगी और ये आपकी दूरी x बाई टू हो जाएगी क्योंकि ये एकदम मिडिल में होगा, ओके। अब हमें ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे, दैट मीन्स जैसे भाई दोनों चार्जेस दोनों मासेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, अगर अब ये इक्विलिब्रियम मतलब इसी स्टेट में रहेगा तब उस दौरान कितना एक्स की वैल्यू, हमें कुछ एक्स की वैल्यू प्रूफ करनी है, यही हमें करना है। तो पहले हम लोग ये निकाल लें कि इनके बीच में फोर्स कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, देन कितना होगा भाई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस की वैल्यू हमें पता ही है, दोनों की वैल्यू क्यू है तो क्यू स्क्वायर और यहां पर एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब हमें ये निकालना, देखिए अब हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है कि इस तरीके से थ्रेड पर बांध के क्या किया जाता है, मूव पर आ जाता है, तो SHM करता है, तो उसका एक इधर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इसका भी होगा इसका भी होगा। तो अगर इस पर्टिकुलर की बात करें तो इस पर मान लीजिए ये इधर आना चाह रहा है, किधर, अंदर मेन पोजिशन की तरफ, तो ये क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस अंदर आने वाली फोर्स के इक्वल हो जाए तो ये इस अवस्था में इस स्टेट में यहीं पर स्टे करेगा, सेम इसके लिए भी बात है। तो चलिए बात करते हैं कि पहले इस पर किस तरीके से फोर्सेस लग रही हैं और उसको हम इक्वेट करें कि इसके बराबर क्या होगा। तो देखिए इसकी अपनी फोर्स है जो एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास की वजह से फोर्स होगा, और दूसरा ये इसकी एक क्या होगी,
मान लीजिए कि इसकी टेंशन फोर्स होगी, टेंशन फोर्स आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन जिधर हम खींचते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक, अब बेटे अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो आप देखिए ये एंगल कितना होगा थीटा, क्यों, क्योंकि ये देखिए वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन ये भी तो है, तो ये एंगल थीटा अगर यहां बना दे थीटा यहां बनाएगा। अब इस mg का, ये आपकी जो mg का है उसका एक कंपोनेंट cos थीटा यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, आपको जब भी किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना हो तो जिस एंगल, जिस एक्सिस के साथ एंगल हो, जैसे ये वेक्टर a है तो ये इस एक्सिस के साथ, किस एक्सिस, इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो a cos थीटा इसका इधर आ जाएगा और sin थीटा इधर आ जाएगा बेटे। लेकिन अगर मैं कह दूं ये इसके साथ एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ए अगर ये है तो ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा और ए साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, तो जिसके साथ एंगल रहेगा उसी के साथ कॉस आप लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम थीटा इस एंगल, इस एक्सिस के साथ ले रहे हैं, दैट इज वाई कॉस थीटा इधर आएगा। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो आपका ऑब्वियस है, साइन थीटा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और ये आपका एमजी साइन थीटा होगा। अब आप देखिए ये अंदर की तरफ है और यही जो इन दोनों के बीच में फोर्स है वो किधर की तरफ होगा, इस पर इधर की तरफ होगा कि नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन है, दोनों चार्जेस सेम है बेटे। तो आप यहां देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, यानी ऐसे कंडीशन में जहां पर ये दोनों ये स्टे करे, ये भी और ये भी, वहां पर ये एमजी साइन थीटा और ये एफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और डायरेक्शन में अपोजिट तो है ही। तो इन इक्विलिब्रियम पहले आप रिस्टोरिंग फोर्स लिख लीजिए कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना काम करेगा इस पे, ये आ जाएगा बेटे mg साइन थीटा इस केस में। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लिखिए, फॉर इक्विलिब्रियम इसे आप f डैश बोल दीजिए, और इक्विलिब्रियम एफ डैश के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एफ की वैल्यू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसका, क्यू स्क्वायर 1x2, और एफ डैश की वैल्यू mg साइन थीटा है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ये 1/4πε0 क्यू स्क्वायर 1x2, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम रहते हैं, तो q1 q2 की वैल्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगी, और ये बेटे mg साइन थीटा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब हमें जो प्रूफ करना है उस प्रूफिंग में जाके देखिए, आपको कहीं भी साइन थीटा नहीं दिख रहा है, जो प्रूफ करना है कहिए तो हम किनारे लिखते हैं, आपके पास लिखा है तो आप उससे देख लीजिए कि आप उसमें साइन थीटा नहीं है, तो हम क्या करें, साइन थीटा को हटा दें, और साइन थीटा को हटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे, देखिए यहां पर देखिए आपके पास क्या है, ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बेटे, ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, ये आपकी x/2 है, ये आपकी l है, ये थीटा है। इस ट्राइंगल में अगर साइन थीटा ले लें तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा हमें यहां से मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपकी ये हो जाएगी क्योंकि ये थीटा आपने लिया है, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो x/2 / l या जिसे आप x/2 l लिख सकते हैं क्योंकि ये l 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम साइन थीटा की जगह बेटे x/2 l लिख सकते हैं, लिख देते हैं, mg x/2 l, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, 1/2πε0 क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर mg x बचेगा। अब हमें जो निकालना है उसमें x एक तरफ है ना, प्रूविंग देखिए क्या प्रूफ करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को बेटे यहां पर भेज देंगे तो x³ हो जाएगा और mg को इसके नीचे, तो क्या मिलेगा आपको, 1/2πε0 क्यू स्क्वायर / mg, और यहाँ पे आपका x³ आएगा कि नहीं आएगा, और आप क्यूब रूट ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा एक l कहीं है यहाँ पे, हाँ ये l, तो l भी तो होना चाहिए, ये l था ना, तो l यहाँ जाएगा। ठीक, अब सही, 1/2πε0 क्यू स्क्वायर l अपॉन mg, और ये आप जब क्या करेंगे क्यूब रूट लेंगे तो इसमें पावर 3 आ जाएगा, 1/3 सॉरी, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था बेटे। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं,
आप अपने से भी क्वेश्चंस करते रहिए, जो क्वेश्चन नहीं आया आप मेरे से पूछ सकते हैं ऑनलाइन, आपके पास आप चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सर हमको इस क्वेश्चन को बताइए, या इस क्वेश्चन में ये समस्या आप जो करा रहे हैं वो दिक्कत आ रही है, आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप किसी भी तरीके से मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, और आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए, कोरोना का दौर है, घर से बाहर नहीं जाइए, और न घर वालों को जाने के लिए कहिए कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, ये आपके लिए जरूरी है, पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।